कि सच्चाई इसके विपरीत विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी, लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया, तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से ज़रूर पछताएंगे, लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। और यदि यूपी में तिकोना संघर्ष हुआ होता, जिसकी पूरी पूरी संभावना भी थी, तो तब यहाँ यूपी के परिणाम बीएसपी की अपेक्षा के मुताबिक आते, तथा फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोक लिया जाता। अर्थात कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा, और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सज़ा बीएसपी को मिली है। ये काफ़ी कड़वी व सीख लेने वाली भी है, जिसकी सज़ा बीएसपी को मिली है कि हमने पे भरोसा किया, जिसकी सज़ा बीएसपी को मिली है वह काफ़ी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। इसलिए इस कड़े अनुभव को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी आगे अपनी रणनीति में बदलाव जरूर लाएगी। लेकिन ऐसे हालातों में भी बीएसपी मूवमेंट के हित में संतोष की बात ये रही है कि दलितों में से खासकर मेरे खुद के अपने समाज का वोट हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मूवमेंट व पार्टी की लीडरशिप के साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। जिन पर मैं कितना भी गर्व महसूस करूं वह कम ही होगा, तथा उनका जितना भी मैं आभार प्रकट करूं वह कम ही होगा। और अब मेरी उन सभी से ये भी अपील है कि उन्हें अपना मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, तथा वे अपना संघर्ष लगातार जारी रखते हैं। सफलता फिर एक दिन झक मार कर हमारे कदम जरूर चूमेगी। हमें बाबा साहब के कारवां को ना रुकने देना है ना झुकने देना है। साथ ही हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि अब बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पूरा खून पसीना बहाने के बावजूद भी जो यूपी का इस बार परिणाम आया है, तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। अर्थात पार्टी के लोगों को निराश व हताश कतई नहीं होना है, और अपने स्वाभिमान व मूवमेंट की सफलता के लिए पहले की तरह ही
पूरे जी जान से पार्टी के कार्य में लगे रहना है। साथ ही इस बार यूपी में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने को लेकर फिर से मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने सपा के रहे गुंडा, माफिया, आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बटने से सपा सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसने फिर बीएसपी को सन 1977 में कांग्रेस पार्टी की हुई स्थिति की तरह यहाँ इस चुनाव में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि इसके बाद फिर अगले हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्व की तरह यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में भी पुनः सत्ता में वापस आ गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति में कभी कभी वर्तमान की तरह ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं जिससे अपनी पार्टी के लोगों को भी दुखी होकर शांत बैठने की बजाय या इधर उधर भटकने की बजाय बल्कि ऐसी बदली हुई परिस्थितियों का भी मुकाबला करने के लिए अपनी वर्तमान रणनीति में परिवर्तन करके आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए बाबा साहब के राजनीतिक जीवन संघर्ष व उनकी सोच को भी ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के जनाधार को फिर से कैडर के जरिए आगे बढ़ाना है। साथ ही इस मामले में हमें ये भी याद रखकर आगे बढ़ना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को अपने रास्ते का रोड़ा मानकर इनको सीधे चुनाव में कामयाब नहीं होने दिया था, लेकिन उन्होंने इससे भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और फिर यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार हुए लोगों को एकजुट व संगठित होकर उन्हें राजनीति में आगे आने की भी सलाह दी थी ताकि फिर वे सत्ता के जरिए अपना खुद का विकास व उत्थान आदि कर सकें, जैसा कि हमने यूपी में 4 बार करके दिखाया भी है। साथ ही उन्होंने उस समय कांग्रेस जैसी अन्य उन सभी जातिवादी पार्टियों से भी अलग रहने की भी सलाह दी थी जिनकी जातिवादी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के लोगों को फिर से यह अपनी पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों के साथ साथ सर्व समाज के उन सभी लोगों का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने बीएसपी को जिताने के लिए यह रात दिन काफ़ी कड़ी मेहनत की है तथा पूरे तन मन धन से भाजपा को हराने के लिए यहाँ लगे रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड व पंजाब राज्य के भी पार्टी के अपने सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों का भी मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने वहाँ पार्टी को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी पूरी कोशिश की है। हालांकि इन राज्यों में भी हमें उम्मीद के मुताबिक सही सफलता नहीं मिली है, जिसका पार्टी को काफ़ी दुख व चिंता भी है। वहाँ भी हम लोग वर्तमान जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग आगे की रणनीति बनाकर अपनी पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।